मेरा नाम डॉक्टर रूता वेकरिया है और पेशे से मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको थोड़ा बहुत फीटल मेडिसिन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। फीटल मेडिसिन जो है वो स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञों की एक नया और अपडेटेड विज्ञान है और उनकी एक नई सब स्पेशलिटी ब्रांच है, जिसके अंदर हम माँ के पेट में पनपने वाले बच्चे को एक पेशेंट की तरह मानते हैं, उसका 9 महीने तक ख्याल रखते हैं और वही हमारा 9 महीने तक फोकस रहता है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो माँ से हटकर उस छोटे से बच्चे पर चला जाता है। पेट में जो बच्चा पनप रहा है उस छोटे से बच्चे को फीटस कहा जाता है मेडिकल टर्म में, और उसकी जो बनावट होती है, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, उसके बारे में जो डॉक्टर्स ख्याल रखते हैं उसे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ट्रेडिशनली हमारा ये मानना होता है कि जब भी किसी औरत को प्रेगनेंसी रुकती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका बीपी चेक कराते हैं, बच्चे की धड़कन चेक करते हैं, बच्चा कितने महीने का है वह चेक करवाते हैं और बस इतना हो गया, उतने हिसाब से डिलीवरी सुकून से हो जाएगी। पर इतना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बात तभी बनती है जब माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित और स्वस्थ रहे, और इस कंप्लीटनेस में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपका सहकार देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस छोटे से बच्चे को फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट किस तरह से प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों के दरमियान उसका ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास आती है तो हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री पूछते हैं। डिटेल हिस्ट्री में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी पिछली प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ या हाई बीपी की बीमारी तो नहीं है, या तो इस प्रेगनेंसी में उसे हाई बीपी या डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं उसकी सारी पिछली डिलीवरी डिटेल्स के बारे में। जब डिलीवरी हुई थी तब बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था, बच्चे में कोई खामी तो नहीं आई है, अगर आई भी है तो उसका कोई इलाज उन्होंने करवाया है कि नहीं करवाया है, उसकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। फिर हम पूछते हैं कि माँ के फैमिली में यानी मायके और ससुराल में कोई बच्चे को मन बुद्धि तो नहीं हुई है, उसको अगर उस बच्चे को ऐसा हुआ है तो उसको क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की इम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पूछेंगे तो यह सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाएंगी। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके उस छोटे से बच्चे को देखते हैं। स्कैन के ज़रिए हम उसे इवेल्यूएट करते हैं, हम उसकी बनावट देखते हैं, उसका ग्रोथ देखते हैं, उसकी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं, हम उसका डेवलपमेंट देखते हैं, कोई चीज़ जो नहीं डेवलप होनी चाहिए वह हो रही है कि नहीं वह देखते हैं, कोई चीज़ डेवलपमेंट में मिसिंग है कि नहीं वह हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रेगनेंसी के अंतराल के हिसाब से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है बच्चा या बड़ा हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। अगर यदि मान लो कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम आता भी है तो हम उसके बारे में पेरेंट्स को समझाते हैं, उनको बताते हैं और उनको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। उसके लिए कोई दवाई अवेलेबल है कि नहीं, आगे कोई टेस्ट अवेलेबल है या नहीं, उस प्रॉब्लम की कोई सर्जरी अवेलेबल है कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली छोटा सा बच्चा जो फीटस है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, वह हमारा फोकस रहता है और हमारा जो पूरा काम है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं आपसे सबसे ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहूँगी और वो है अल्ट्रासाउंड स्कैन इन प्रेगनेंसी। तो एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जिसके काम का हार्ट होता है अल्ट्रासाउंड, वह कितनी बार और कौन कौन से टाइम पर अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना चाहेंगे प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने के दरमियान, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके 2 या 3 हफ्तों के बाद, यानी कि करीबन 6 to 8 weeks के बीच में आप अपना पहला स्कैन करवा सकते हैं, जिसे हम वायबिलिटी या तो डेटिंग स्कैन कहते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे की धड़कन सलामत है या नहीं, हम ये देखते हैं कि बच्चा सिंगल है या कोई ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विंस मानी 2 बच्चे और ट्रिपलेट्स मानी 3 बच्चे। यह सारी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं, क्योंकि आधुनिक टेक्निक IVF अब जानते हैं, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चा गर्भाशय के अंदर ही है, कहीं बाहर तो नहीं है। अगर बच्चा गर्भाशय के बाहर है तो वो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है और ऐसी प्रेगनेंसी आप रख नहीं सकते, उसे आपको टर्मिनेट करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि गर्भाशय के अंदर कोई ग्रोथ या मास तो नहीं है।
गर्भाशय के बाहर भी बहुत सारे अंग होते हैं जिसमें कोई ग्रोथ, मांस या गांठ तो नहीं है, वह भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। अगर यह सारी चीज़ें हम शुरुआती दौर पर देख ले तो आगे जाके उनकी प्लानिंग ईजी हो जाती है। तो यह पहला स्कैन होता है जिसे हम वायबिलिटी स्कैन कहते हैं और जो शुरुआती दो तीन हफ्तों में, प्रेगनेंसी के दो तीन हफ्तों में किया जाता है। उसके बाद हम दूसरा स्कैन रिकमेंड करते हैं 3 महीने पर, यानी कि 11 टू 14 वीक्स पर, जिसे हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी या तो फिर एंटी स्कैन कहते हैं। कुछ लोग उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी कहते हैं। यह स्कैन जो होता है इसके अंदर हम बच्चे की बनावट देखते हैं, वो एक्चुअली इंसान का छोटा सा मिनिएचर रूप जैसा दिखता है। इसके अंदर बच्चे का सर, हाथ, पैर सब बन जाता है और हम उसको पूरी तरह से देख भी सकते हैं। बेसिकली 3 महीने तक ऊपर से लेकर नीचे तक बच्चे में जो जो भी बनावट बन जाती है वह हम इस स्कैन में देख सकते हैं। इसी के साथ हम बच्चे की मूवमेंट भी देख सकते हैं। उसके बाद जो एक नया और एडवांस अपडेट है इस स्कैन में, वह ये है कि हम बच्चे में क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या है उसका सही मायने में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या वो चांसेस कम हैं या वो चांसेस ज़्यादा हैं, वह भी हम जान के पता कर सकते हैं। जब हम ये स्कैन करते हैं तो उसके अंदर ऐसे कुछ फीचर्स दिखते हैं जिससे हम ये आशंका कर सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स क्या होता है? जब भी कोई बच्चा रुकता है तो माँ और पिता दोनों ही अपने क्रोमोसोम्स आधे आधे करके बच्चे को देते हैं। जब ये प्रोसेस में कुदरत से कोई गलत चीज़ हो जाती है, या तो वो आधी प्रोसेस में या तो पूरी प्रोसेस में कुछ गलती हो जाती है नेचर से, कुदरत से या बाय लक, तो फिर बच्चे में क्रोमोसोम या जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। पर ये सब चीज़ें हम तभी जान सकते हैं जब उसके बारे में हम स्कैन में देखें। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज स्कैन होता है जिसके अंदर हम बच्चे की अंदरूनी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम उसी दिन करते हैं जिसे हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं, और यह टेस्ट भी ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम है यानी कि बच्चे में क्रोमोसोमल और जेनेटिक प्रॉब्लम है उसकी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हम करते हैं। तो ये हो गई एंटी स्कैन की माहिती। इसके अंदर हम शुरुआती दौर की शारीरिक बनावट और बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं वह जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ एक नया अपडेट और भी है कि हम इस स्कैन के दौरान गर्भावस्था में, गर्भाशय में जो ब्लड की सप्लाई, हम ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो नापते हैं, उससे आगे जाके प्रेगनेंसी के 9 महीने दरमियान बच्चे को या माँ को बीपी की बीमारी हो सकती है कि नहीं उसका भी हम अंदाज़ा कई तरह से लगा सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट है ताकि अगर उसकी दवाइयाँ अगर चालू करनी है तो इस टाइम पर हम शुरुआती दौर में चालू कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्कैन होता है वह हम 5वें महीने पर करने को बोलते हैं, यानी कि करीबन 18 टू 22 वीक्स के बीच में, जिसे हम एनोमली स्कैन या तो टीफा स्कैन कहते हैं। यह स्कैन बहुत ही एक क्रूशियल स्कैन होता है पूरे 9 महीने के दरमियान। यह एक सही टाइम होता है बच्चे में शारीरिक बनावट देखने का, क्योंकि इस स्कैन के अंदर हमें पूरा बच्चा इंसान का छोटे स्वरूप के हिसाब से दिखता है, उसको देखने में भी अच्छा लगता है, और हम बच्चे का सिर, हाथ, पैर, अंदरूनी उसके सारे पार्ट्स ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम बच्चे की हाथ की उंगलियाँ भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक फीटल एनाटॉमी स्कैन होता है जिसके अंदर हम बच्चे की शारीरिक बनावट रिलेटेड अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं वो जान सकते हैं। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में पेरेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं उस प्रॉब्लम की कोई सर्जरी अवेलेबल है या नहीं, उसके बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, उसकी कोई दवाई अवेलेबल है या उसकी कोई टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में पेरेंट्स को बताते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो आप इस टाइम पर ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आगे जाके कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद हम जो चीज़ देखते हैं वो ये है कि गर्भाशय का ओपनिंग यानी कि गर्भाशय का द्वार जो होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उस सर्विक्स की लेंथ का भी हम असेसमेंट करते हैं। यह असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मान लो अगर ये सर्वाइकल लेंथ छोटी है तो यह एक डाउट पैदा हो जाता है मन में कि यह गर्भाशय इस प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक कैरी करने के लिए कैपेबल है या नहीं। यदि ऐसा है तो हम इस टाइम पर सर्विक्स पर स्टिच भी ले सकते हैं और या तो कोई इंजेक्शंस या मेडिसिंस हम चालू कर सकते हैं ताकि हम ये प्रेगनेंसी पूरी तरह से 9 महीने तक कैरी कर सकें, उसको लंबा चला सकें और अंदर जो बच्चा है वो पूरी तरह से पनप सके। जब बच्चा कोई होता है जो पूरे महीने पर पैदा नहीं होता उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो यह प्रीटर्म बर्थ जिसे हम बोलते हैं
वो प्रिवेंट करने के लिए जो सर्वाइकल लेंथ का असेसमेंट है वह हम इस टाइम पर करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ हम एक और चीज़ भी देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कि गर्भाशय को खून सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, वह हम जानने की कोशिश करते हैं। गर्भाशय को ब्लड सप्लाई सही से मिल रहा है कि नहीं, वह हम जानने की कोशिश करती हैं। माँ के गर्भाशय में जो ब्लड जाता है उसी से अंदर पनपने वाले बच्चे को सही मात्रा में पोषण मिलता है, उसका विकास होता है और वह संपूर्ण सुरक्षित रहता है। तो अगर किसी वजह से गर्भाशय में खून कम जा रहा है, उसको खून कम मिल रहा है, उसको ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, जिसका ज़्यादातर रीज़न हाई बीपी होता है, तो अंदर पनपने वाले बच्चे का विकास जो है वो कम हो जाएगा, उसका वज़न नहीं बढ़ पाएगा और उसका डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं होगा। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। और अगर हम इस चीज़ को शुरुआती दौर में देख लें, पकड़ लें, तो हम इसके लिए कोई जो मेडिसिन आती हैं वो उसी टाइम पर खून बढ़ाने की शुरू कर सकते हैं और हम आगे जाके उस बच्चे का प्रिपरेशन प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं ताकि फाइनल आउटकम जो है वो अच्छा आए। तो ये भी चीज़ हम इसी 5 महीने के स्कैन के दौरान दिखते हैं। इसी के साथ आपको 3D-4D सोनोग्राफी का भी ऑप्शन जो है वो इसी स्कैन में मिलता है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको 3D-4D सोनोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली हम जो सोनोग्राफी करते हैं वो 2D सोनोग्राफी होती है। अब ये 2D सोनोग्राफी क्या होती है, जिसे हम 2D सोनोग्राफी कहते हैं, उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर एक ही सतह पर एक इमेज और छायाचित्र उभर कर आता है। उसके अंदर आपको कोई डेप्थ या गहराई देखने को नहीं मिलती है। पर 2D सोनोग्राफी जो होता है वो किसी भी सोनोग्राफी मशीन का हार्ट होता है। जितनी अच्छी आपकी 2D सोनोग्राफी होगी उतनी ही अच्छी आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्टिंग होगी। तो 2D सोनोग्राफी तो बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 3D-4D सोनोग्राफी है वो एक नई और एडवांस टेक्निक है, 2D सोनोग्राफी से आगे है एक टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि 2D सोनोग्राफी के अंदर जब आपको एक गहराई का अनुभव होता है, इमेज में एक डेप्थ का परसेप्शन होता है, तब उसको 3D सोनोग्राफी बोलते हैं। उस 3D सोनोग्राफी को जब हम रियल टाइम में यानी कि वीडियो के माध्यम से अगर देखते हैं तो उसे 4D सोनोग्राफी कहा जाता है। यह 3D और 4D सोनोग्राफी जो है वो नया और एडवांस टेक्निक है। अगर वह हम करते हैं तो हमें माने कि डॉक्टर को और पेशेंट्स को दोनों को ही बच्चे का फेस, बच्चे के हैंड्स, बच्चे के लेग्स और उसकी कमर की रीढ़ की हड्डियाँ, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पाइन बोलते हैं, वह हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और आपको भी ये एहसास हो जाता है कि अंदर पनपने वाला बच्चा जो है वो संपूर्ण तरीके से स्वस्थ है, सुरक्षित है, खुश है। तो ये 3D-4D सोनोग्राफी भी आप इसी टाइम पर करवा सकते हैं। तो ये 5वां महीने का जो स्कैन है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, एक स्पेशलाइज स्कैन है। इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक चेकलिस्ट हर एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास रहता है और वो उसी की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैन हम बोलते हैं वह हम कहते हैं 8वें महीने पर, यानी कि करीबन 32-34 वीक्स के बीच में, जिसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। कई लोग यह स्कैन जो है वो 2 पार्ट्स में भी करवाना चाहते हैं, जैसे कि अर्ली ग्रोथ स्कैन जो हम 7वें और 8वें महीने के बीच में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो 8वें महीने पर ये स्कैन प्रेफर करते हैं। 8वें महीने पर हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, इस बच्चे का अंदर वजन जो है वो 8वें महीने के हिसाब से सही मात्रा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बच्चे के आसपास का पानी कैसा है, कम है या ज़्यादा है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे को खून कैसे मिल रहा है, उसको ब्लड सप्लाई कैसा जा रहा है, जिसको हम हमारी टर्म में फीटल डॉपलर स्टडी बोलते हैं और आम जनता उसे कलर सोनोग्राफी बोलते हैं। यह सब देखना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम ये हमें एक तसल्ली हो जाती है कि अंदर पनपने वाला बच्चा जो है वो संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। और इसी के साथ कुछ चीज़ें शारीरिक बनावट रिलेटेड भी हम बच्चे की इसी टाइम पर देखते हैं, जैसे कि बच्चे की लंबी आँख जो होती है वो हमें इसी टाइम पर दिखती है। उसके साथ बच्चे की दिमाग में और हार्ट में कुछ ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो हमें 8 महीने पर दिखती हैं, तो यह स्कैन भी काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है करवाने के लिए। जनरली हम अगर इतने स्कैन करवा लें तो हमें आगे और कोई स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर हाँ कुछ स्पेशलाइज्ड स्कैन होते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ट्विन्स प्रेगनेंसी हैं, आपको हाई बीपी है या आपको डायबिटीज़ हैं, तो डॉक्टर्स आपको इस 4 स्कैन के अलावा भी ज़्यादा स्कैन करवाने की सलाह दे सकते हैं, तो आपको ये करवाने पड़ते हैं। पर जनरली ज़्यादातर प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर आप रूटीन में अगर यह 4 स्कैन उचित समय पर करवाते हैं तो
आगे जाके आपको बच्चे की सुरक्षा और उसको संपूर्ण स्वस्थ तरीके से आने में लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चार स्कैन ज़रूर करवाइए। कुछ स्कैन होते हैं जो काफ़ी स्पेशलाइज स्कैन होते हैं, पर वह करने की एक वजह होती है, जैसे कि अगर आपके पुराने बच्चे में कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या तो फिर आपको डायबिटीज़ है तो आपको फीटल इको स्कैन भी करवाना पड़ता है। पर ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों में होती हैं और डॉक्टर आपको पहले से ही उसके बारे में जानकारी देकर रखते हैं, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ताकि आप उनका सही समय पर वह स्कैन करवा सकें। तो बस मैंने जो बताए हैं आपको वह चार स्कैन ज़रूर करवाएँ, समय पर करवाएँ, उचित टाइम पर करवाएँ और अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। संपूर्ण तरीके से सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और समय समय पर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो आपको एक कंप्लीट आउटकम देने में सहयोग देते हैं, आपके गायनोकोलॉजिस्ट को मदद करते हैं ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, उसकी मुलाकात लेते रहें। धन्यवाद।